का माय द स्टूडेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी। बेगम जब तुम मर जाओगी ना तो तुम्हारा जनाजा बहुत ही लंबे रास्ते से लेकर के जाऊंगा। खुदा की कसम सूरत देखिए अपनी, एकदम हलवे पराठे वाले खानदान की लगती हो। लो पैसे दो, शगुफ्ता पार्लर जाना है वरना मैं ना घर छोड़ के चली जाऊंगी। पहले तो बड़ा कहते थे जब हम अलीगढ़ में बढ़ते थे, जानू ये जानू वो, और अब देख लो अलीगढ़ दरबार की बिरयानियां पैक करा करा के लाते थे, नुमाइश से हलवे पैक करा के लाते थे। भूलना मत तुम्हारी बाइक के पेट्रोल के पैसे भी मैंने दिए थे मैंने। बेगम देखो तुम अब मेरा मुंह मत खुलवाना, तुम भी तो अपने रूम पाजा से कपड़े पहन पहन के आती थी और कहती थी जानू देखो तुम्हारी वजह से कितने महंगे कपड़े पहनने पड़े हैं। फरजाना, अरे ओ फरजाना जी खाला आई। अरे कहाँ मर गई मारी, क्या हो गया? एक अलग से निकाह करके मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई। मैं क्या बताऊं, कम बहुत पूछता है। मैं दोनों में से एक ही काम करूंगा, या तो झाड़ू करवा लो या तो पोछा करवा लो। इतने सारे बर्तन रखे हैं घर में, वो क्या उसकी अम्मा आएंगी कब ऐसे साफ करने को? ऊपर से मुआ कमर का दर्द, एक तो शोहर के नखरे कम ही नहीं होते। क्या बताऊं खाला, मैं भी बड़ा परेशान हूँ। परेशान है, बरेली में है तो शाम में घर पे आ जाओ, साथ बैठ के चाय पियेंगे। मैं भी यही सोच रहा था, चलो आता हूँ। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। चाय मैं नहीं बना रही कोई चाय, वाय हर वक्त चाय। लड़की कुछ भी कर ले इन अली से निकाह ना करे, इनकी नसें कटेंगी ना तो खून की जगह चाय निकलेगी चाय। और बेगम अगर तुम्हारी नसें कटने लगी ना तो उसमें से लाइब्रेरी के पीछे वाली नेस्कैफे की कॉफी निकलेगी, वो भी उधार की। चलो बटो आता हूँ। हाँ,
सैया छेड़ देवे ननद चिट्ठी लेवे ससरा गेंदा फूल सास जारी देवे देवर समझा देवे ससरा गेंदा फूल। अल्लाह इन आईजी की लड़कियों का एटीट्यूड तो देखो, खुद को जन्नत की परी समझती हैं और हकीकत में दोजख की गेटी पर लगती हैं। अच्छा अपनी सूरत देखी है, ऐसा लगता है जैसे फटा है मोजे में से अंगूठा झांक रहा हो। अरे बेटा वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम कारोबार क्या करते हो? कारोबार? मुझे नहीं लगता ये कोई कारोबार करते होंगे, ऐसा लगता है जैसे सऊदीया में ऊँटों की मालिश करते होंगे। अरे कितना लड़ोगे तुम लोग, अब जरा निकाह की बात भी कर ले। अब्बा ये तो कहे कि मैं इससे निकाह नहीं करूंगी, आज तो गलती पे खड़ा लड़कियां छेड़ता है, मैंने खुद देखा है। बेटी खामोश हो जाओ, आज तो गलती पे लड़कियां छेड़ना भी एक आर्ट है, एक कला है। अरे मियां कोई आर्ट वाट नहीं है, इससे सिर्फ इतना पता चलता है एक लड़की एक जोड़े कपड़े कितनी लड़कियों को दे सकती है। नवाब साहब मैं अपने बेटे को तो समझा लूंगा, इनसे कहिए अपनी बेटी को समझाएं, मिल्क बार में ज्यादा सेशन ना दिया करें। तुम क्या मेरी बेटी को समझाओगे? मेरी बेटी समझी समझाई हुई है, तुम अपने बेटे को समझाओ। मेरा बेटा भी बहुत समझदार है। अरे ये सब क्या हो रहा है? आप चुप रहिए, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? मेरे घर में इतना शोर क्यों हो रहा है? ये अलीगढ़ के लोग भी ना छोटी छोटी बातों पे सियासतें करते हैं और अब लोग निकाह को भी नहीं छोड़ा। एमी मैं मिशन मिलना तो एक मुसीबत की बात, और किसी अलीग से शादी करना ये तो उससे भी बड़ी मुसीबत। सही कहा, एक अलीग से निकाह करना ऐसा है जैसे अब्दुल्ला हॉल के हॉल डिनर में लड़कों का खाना खाना। और रही बात तुमसे निकाह की तो वो तो मैं कर ही लूंगा। अरे जाओ, चचा ने 10 साल एक अलीग को झेल लिया तो मैं तुम्हें तो झेल ही लूंगा। तो नवाब साहब और दिलावर साहब अब मैं इस निकाह को मंजूर समझूं? हाँ हाँ मंजूर समझे, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? लड़के का वलीमा आईजी के ग्राउंड में होना चाहिए। उसके लिए तो प्रोबोस मैम से परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रोबोस? अब मैं प्रोबोस से तो अपने जमाने की एक बात याद आ गई। क्या? एक बार मैं आज फैकल्टी के गेट पे खड़ा था, वहाँ पर एक छोटी 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 आंखों वाली लड़की मेरी तरफ देख रही थी। मैं उसकी तरफ जा रहा था, वो मेरी तरफ आ रही है। मैंने पास जाकर के जैसे ही उसका नकाब पलटा, अब्दुल्ला की प्रोबोस। तो मैं अब ये निकाह मंजूर समझूं? हाँ हाँ मंजूर समझे। तो आइए हम सब मिलके अली का निकाह कराते हैं। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بمختلف اوسام بلادینیا صدام میں حسینیا والحانہ پروبوس میں کچھ حبیبی ایک پیس دینا کیا لڑکی والوں کو نکاح قبول ہے؟ نکاح قبول ہے الفیصل الایانا والقرآنا زیشان کا سبب تو لائن مارنا خود حبیبی محتشم اور کاشف کا یہاں پر آنا کیا لڑکوں والوں کو نکاح قبول ہے؟ मुबारक हो मुबारक हो। आइए मिलकर दुआ करते हैं। या अल्लाह पाक एस एस हॉल में कई बुढ़े और आईजी हॉल की कई बुढ़िया शादी के इंतजार में बैठे हुए हैं, अल्लाह पाक उनकी शादियां करा दे। अल्लाह पाक या अल्लाह पाक कैंपस में बाइक पर बैठ ले, अल्लाह पाक लड़कियों को बहुत तकलीफ होगी उस बहन को हटवा दे अल्लाह पाक। आमीन या अल्लाह पाक हमें मिनिशन में एक ऐसा दुकानदार दिलवा दे जो हमें उधार के सामान दे दिया करे। अल्लाह पाक या अल्लाह पाक उन मॉडल्स को परमानेंट करवा दे जो प्रमोशन के पीछे आगे पीछे घूमा करती हैं। आमीन या अल्लाह पाक आईजी की आउटिंग 6:30 से 8:30 करवा दे। अल्लाह पाक सुना है वो
याद को भंग करता। To sing a new tarana, I would like to call upon the tarana team. Prasuti Tarana, which is popularly known as AMU Anthem. If you want to know about Aligarh Muslim University, this Tarana will easily make you understand about its culture, tradition, aims and objectives and its glory around the world. The handouts of the translation of Aligarh Muslim University Tarana has been given out to you all. Thank you. मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ।
जो अब यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बसेगा है रहा पर बसेगा हर कोहरे गिरा पर बसेगा हर शर्म समन पर बसेगा हर दर्श दमन पर बसेगा खुद अपने चमन पर बसेगा गैरों के चमन पर बसेगा हर शहर तरफ पर बसेगा हर कस्बे धर्म पर करकेगा ये अब्र हमेशा बसा है ये अब्र हमेशा बसेगा ये अब्र हमेशा बसा है ये अब्र हमेशा बसेगा ये अब्र हमेशा बसा है ये अब्र हमेशा बसेगा 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 jointly by General Education Center and Music Club of Aligarh University. Ladies and gentlemen, we are going to begin with a group performance of Indian classical instrumental music called Taal Kacheri. It is an age-old musical tradition in which musician and tabla players compete with each other before a select audience on the eve of Amir Khusro's birthday. This study participating in this performance are Ustad Chishti, Dr. Ustad Chishti, who is a PhD in music from Agra University and a P high grade artist in All India Radio Agra. We have Muhammad Aslam on Jholak, Sheikh Siraj on Tabla. I request them to please come over the dais so that I can introduce you to the audience. Ustad Chishti on tabla, please. Muhammad Aslam on dhola. Sheikh Siraj on tabla. Ustad Rafi on clay tabla. And we have Azharuddin on tabla. These five artists are going to thrill the audience with their captivating performance. They have already performed yesterday before the dignitaries of the Ohio State University, but Chancellor and Begum, my Chancellor, was also there. Thank you.
USA must have enjoyed this thrilling performance to the core. Ladies and gentlemen, as you know, this program is being organized by General Education Center and Hindustani Music Club and different clubs. So this wonderful evening, in fact, that was organized yesterday also, is a result of the tireless efforts of Coordinator General Education Center, Dr. F.S. Shirani Sahab, and the instructor of Music Club, Johnny Foster Sahab, and of course our program director, Mr. Muhammad Aslam, and the members of the different clubs of the General Education Center. I want you all to put your hands together for them to organize such a wonderful meeting. Dr. Shirani Sahab is sitting over here. We could not make it in time due to some personal reasons. We now have a group song, Sakal Ban Phool Rahi Sarso, written by Hazrat Amir Khusro. Hazrat Amir Khusro was a renowned Persian scholar of medieval India, who is regarded as the first Urdu poet. He was a Sufi, a historian, a musician, and yet a true representative of the composite culture of our great nation. This composition, Sakal Ban Phool Rahi Sarso, is in fact a tribute to Hazrat Amir Khusro, who is a symbol of cultural and communal harmony. Ladies and gentlemen, please enjoy. Yeah.
देखिए ये पन घट को